हेलो फ्रेंड्स, एसएस होम गार्डन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं अपने गृह जनपद देवरिया के एक नर्सरी पे और हमने सोचा कि आपको दिखाएं, क्योंकि बहुत व्यवस्थित तरीके से यहाँ सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि कम नर्सरियों में देखने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा साफ सफाई है और सब कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से है। मैंने सोचा आपको दिखाऊँ। देखिए, ये जो है ये लेमन साइप्रस का प्लांट है, साथ ही यहाँ पाम रखे हुए हैं और हमारे जो और भी पौधे जो हमारे इंडोर में लगते हैं ये सारे यहाँ रखे हुए हैं। यहाँ जो आप देख रहे होंगे क्रिस्टीनिया का पौधा आपको दिख रहा होगा, इसके अलावा थूजा यहाँ पर रखी हुई है। बाकी ये सारी चीज़ें बहुत करीने से हैं। इस नर्सरी की सबसे अच्छी बात ये लगी जो कम नर्सरियों में देखने को मिलती है कि यहाँ चीज़ें व्यवस्थित तरीके से हैं और साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखा गया है। आपको अपने प्लांट्स ढूंढने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है। ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे फिटोनिया के पौधे लगे हुए हैं। दो वैरायटी यहाँ फिटोनिया की अवेलेबल है, इसके अलावा पिंक सिंगोनियम है। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ। फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं, खास करके सीजनल पौधे बहुत ही हैं। ये कुछ पपीते के पौधे हैं जो शायद रेड लेडी हैं, ये रेड लेडी हैं। और इसके अलावा वहाँ आप देख रहे होंगे ये सारे शो प्लांट्स हैं। सेंसिविरा की भी कुछ वैरायटीज़ हैं और क्रॉटन्स हैं। और अब मैं ले आता हूँ आपको अपनी फेवरेट जगह पे, जिसे देख के मेरा मन हुआ कि मैं वीडियो बनाऊँ, ये सीजनल प्लांट्स की तरफ। ये देखिए, ये सेल्विया है। पहले मैं एक बार पीछे से आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ कितना खूबसूरत लग रहा है दूर से देखने में। देखिए, बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं नर्सरी में जो अभी अपने पसंद के पौधे सेलेक्ट कर रहे हैं। वहाँ आप देखिए, सुपारी पाम भी कम नर्सरी में देखने को मिलता है, वहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर साल्विया के जो पौधे हैं आप देख रहे होंगे और डैंथस है, कुछ डहेलिया हैं जिनमें, चूंकि हमारे यहाँ 10-15 दिन से धूप नहीं हुई है तो जो कलियाँ थी मेरे गुलाबों में भी आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि जो कलियाँ हैं वो एज इट इज़ पड़ी हुई हैं, वो उनका ट्रांसफॉर्मेशन फूलों में नहीं हो पा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2-4 दिन में इधर जब धूप होनी शुरू होगी तो ये सारी खिल जाएंगी। इसके अलावा ये आप देख रहे होंगे क्राइसेंथमम्स की वेराइटीज़ हैं, कुछ इधर गेंदे रखे हुए हैं। और मैं एक बार आपको फिर से एक बहुत ही प्यारा व्यू दिखाता हूँ आप सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, एक बार देख लीजिए। अगर आप देवरिया के आसपास हैं तो आप एक बार विज़िट कीजिए ज़रूर इस नर्सरी को, और भले ही कुछ नहीं लेना हो एक बार घूमने आइए। यहाँ पे एंट्रेंस का कोई चार्ज नहीं है और जो यहाँ का स्टाफ है वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है, आपको अच्छा लगेगा। कुछ पौधे आपको मिल जाएंगे जो आपके पास नहीं हैं और यहाँ पे सब्जियों वगैरह के भी पौधे आपको मिल जाएंगे। यहाँ शिमला मिर्च और मिर्च की कुछ वैरायटीज़ हैं, फलों के की भी बहुत वैरायटीज़ हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये नर्सरी थोड़ी छोटी थी, अब इसको इन्होंने एक्सपेंड कर लिया है। इधर देखिए, सीजनल प्लांट्स का एक अलग आपको दिखेगा। ये सारे डैंथस रखे हुए हैं यहाँ पे, कुछ मैरीगोल्ड हैं जो अभी पॉली बैग में नहीं किए गए हैं। इसके अलावा क्राइसेंथमम्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। अगर आप गुलदाउदी के शौकीन हैं तो यहाँ आएंगे, आपको सारे ही शेड्स के, सारे ही कलर्स के क्राइसेंथमम्स मिल जाएंगे। यहाँ ल्यूपिन वगैरह के भी फ्लावर्स हैं, ये सिलोसिया जिसे कहते हैं, कॉक्सकॉम्ब है वो भी है यहाँ पे, सदाबहार भी है यहाँ पे, और बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पे हैं। सीजनल की तो बहुत वैरायटीज़ हैं, मुझे नहीं लगता सीजनल की इतनी सारी वैरायटीज़ किसी दूसरी नर्सरी में आपको मिलेगी, और बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है इनके पास। और मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ और क्या क्या इनके पास है, क्या क्या इन्होंने रखा है। बाकी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इनके पास क्या क्या है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ क्राइसेंथमम्स तो बहुत ज़्यादा हैं इनके पास। देखिए, ढेरों क्राइसेंथमम्स इधर खिल रहे हैं। और ये देखिए, ये पौधे आगे ले जाए जा रहे हैं, कुछ क्रॉटन्स यहाँ प्रोपिगेट किए जा रहे हैं। हमको लगता है इधर इनका ये जो है ये प्रोपगेशन जोन है। इधर देखिए, सिलोसिया के पौधे आपको दिख रहे होंगे। मैं दरअसल गुलाबों के लिए यहाँ आया था कि कुछ नई वैरायटीज़ के गुलाब मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ये दिखा तो मुझे लगा कि मुझे आप सबको भी दिखाना चाहिए। बहुत ही शानदार वैरायटीज़ हैं इनके पास,
और बहुत पीछे तक नर्सरी है, नर्सरी पूरी पीछे तक है। पीछे फलों के पौधे रखे हुए हैं, देखिए यहाँ से फल वाला जो फ्रूटिंग प्लांट्स का जो जोन है वो शुरू हो गया है। आपको आम दिख रहे होंगे, आम की यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, सेंसेशन है, आम्रपाली है, मल्लिका है, चौसा है, दशहरी है, बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पे। ये सब आम की ही वैरायटीज़ आपको दिख रही होंगी, जो आपके स्क्रीन पे दिख रही हैं ये सब आम की ही वैरायटी हैं। इसके अलावा इधर कुछ मसालों के प्लांट्स हैं और चीकू के प्लांट्स हैं, इधर ढेरों डहेलियाँ हैं। चूँकि ये होलसेलर हैं तो ये सारे यहाँ से जो दूसरे रिटेलर्स हैं, नर्सरी वाले हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। हम और पीछे चलते हैं, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ और क्या क्या है इनके पास। इधर देखिए ये सारे अमरूद के पौधे हैं, ये ताइवान वाली वैरायटी है अमरूद की। इधर इलाहाबादी अमरूद रखे हुए हैं, कुछ सेंसिविरा हैं। इधर बड़े बैग में बड़े पौधे रखे हुए हैं, ये बहुत पीछे तक है नर्सरी, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। तो दोस्तों अगर आप देवरिया या आसपास से हैं और या कभी आपका देवरिया आना होता है तो आप एक बार इस नर्सरी को विज़िट कीजिए। घूमने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए ये एक बढ़िया जगह है और यहाँ आकर आपकी ज़रूर पौधों की कुछ ना कुछ तलाश पूरी होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हम छोटे छोटे वीलॉग्स भी अब आपके सामने लेके आएंगे और जहाँ भी हम विज़िट करेंगे वहाँ अगर कोई अच्छी नर्सरी होगी तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। SS होम गार्डन के यूट्यूब चैनल को विज़िट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।